हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं ज्योत्सना, मेरे चैनल को कुकिंग एंड टिप्स में आप सबका स्वागत है। क्यों ना हम लोग घर का बना हुआ शुद्ध घी खाएं। घर में घी बहुत ही आसानी से बनाया जा सकता है। आप क्रीम को बिना हाथ लगाए घी बना सकते हैं। चलिए बना लेते हैं। सबसे इजी तरीके को अपनाकर घी मैं कुछ ट्रिक्स भी दूंगी, जिससे आपका घी सालों साल सुगंधित रहेगा और खराब भी नहीं होगा। मैं चाहती हूँ मैं आपसे जरूर, इसके लिए आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, सिर्फ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है। आप एक सब्सक्राइब से मैं इनकरेज होती हूँ, तो प्लीज 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें प्लीज। घी बनाने के लिए फर्स्ट स्टेप है दूध को अच्छे से गर्म करना। दूध जब ठंडा हो जाए तो आप चाहो तो दूध को फ्रिज में रख दो। फ्रिज में रखने से मलाई की परत मोटी बनती है। इसके बाद आप मलाई को दूध से निकाल लो, इसे किसी बॉल में स्टोर कर ले। इस मलाई में 1 टेबल स्पून दही को भी डालना है। ऐसा करने से आपकी मलाई कभी ख़राब नहीं होगी और गंदा स्मेल भी नहीं आएगा। घी जो बनेगी आपका फ्रेगनेंस वाली बनेगी। इस मलाई को आप फ्रीजर में रख दें। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, मैं इसे फ्रीजर में रखी हुई थी। आपको पूरे बॉल में आइस जमा हुआ दिख रहा होगा। ये 7 दिन का मलाई है। अगर आपको घी बनाना है और अगर समर सीजन है तो इसे 3 से 4 घंटा पहले ही फ्रीजर से बाहर निकाल लें, और अगर विंटर सीजन है तो 5 से 6 घंटा पहले मलाई को आप फ्रीजर से बाहर निकालें। 3 घंटे हो गए हैं, आइस पूरी तरह से पिघल गया है, मलाई भी सॉफ्ट हो गया है। अब आता है सेकंड स्टेप। एक मिक्सी जार लेना है। इस जार में मलाई को डालकर मिक्सी को 2 मिनट चला लेना है। 2 मिनट चलाने के बाद कुछ ऐसा दिखेगा। अब इसमें 1/2 कप फ्रिज का ठंडा पानी ले। ऐसा करने से बटर और पानी अलग हो जाएगा। फिर से 2 मिनट मिक्सी को और चला लें। आप देख सकते हैं कितना बढ़िया बटर बना है। पानी डालने की वजह से ये बटर जो है ऊपर आ गया है और पानी नीचे रह गया है। अब करना ये है कि बटर को ठंडे पानी से 2 से 3 बार अच्छे से वॉश कर लें। इस पानी को फेंकना नहीं है। आप इसे आटा करने के यूज में ला सकते हैं, कड़ी बना सकते हैं, सब्जी के ग्रेवी में डाल सकते हैं। इस बटर से घी बनाना है। थर्ड और लास्ट स्टेप, एक पैन लेना है। इस पैन में बटर को डालना है। इसे मीडियम फ्लेम पे हम कुक करेंगे। आप देख सकते हैं बटर धीरे धीरे मेल्ट होना शुरू हो गया है, बबल्स भी आ रहे हैं। अगर आपके बटर से स्मेल आ रही हो तो आप 1/2 टीस्पून लेमन जूस को डाल दें। ऐसा करने से बटर का स्मेल चला जाएगा और घी में अच्छी सी खुशबू आ जाएगी। घी ऑलमोस्ट बन चुका है, घी से अच्छी सी खुशबू आ रही है। मैं इसे थोड़ा और पका लेती हूँ। अगर आप इस स्टेज पे फ्लेम को बंद कर देते हैं तो आपकी घी जल्दी ख़राब हो जाएगी। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, नीचे में डार्क गोल्डन कलर दिख रहा है। इसका मतलब है कि घी पूरी तरह से बनकर तैयार है। इस स्टेज पे फ्लेम को बंद कर देना है। अब इसे स्ट्रेनर की हेल्प से स्ट्रेन कर ले। आप देख सकते हैं बटर से कितना सारा घी निकला है। इसे किसी जार में भर कर रख लें। आपने देखा घी बनाना कितना ईजी था, तो क्यों ना घर का बना हुआ शुद्ध घी खाएं और मार्केट के मिलावटी घी खाने से बचें। लाइक करें, अपना फीडबैक जरूर शेयर करें मेरे साथ। इस वीडियो को शेयर करें अपने फ्रेंड और फैमिली मेंबर के साथ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें प्लीज। बगल में घंटी होगी, उसे भी प्रेस कर दें। ओके बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए।